मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां कार का बोनट खोला गया तो उड़ने लगे 500-500 के अजले नोट। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से करीब 2.25 करोड़ रुपए की नकदी कार के बोनट में छुपाकर ले जाना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस व चेक पोस्ट से जांच में बचने के लिए इन युवकों ने लगभग 2.25 करोड़ की नकदी बोनट में छुपाने की जुगत भिड़ाई, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट से या इंजन गर्म होने से धुआं दिखने लगा और कुछ नोट जल गए। राहगीरों ने अजले नोट सड़क पर बिखरे होने की जानकारी पुलिस को दी। सिवनी जिले की कुरई थाना पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपितों को पकड़ लिया और उनके पास से 1.74 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए के नोट जल गए। पुलिस के मुताबिक आरोपितों को रविवार देर शाम सिवनी नागपुर नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इनोवा कार MH01AH7264 से आरोपित मुंबई जा रहे थे। बमनी गांव के पास आग बुझाने के लिए जैसे ही आरोपितों ने बोनट खोलकर नोटों के बंडल बाहर निकाले तो 500-500 रुपए के अधजले नोट तेज हवा में बिखर कर उड़ने लगे। सूचना पर पुलिस पहुंची और घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। आयकर विभाग की टीम भी जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक इस पैसे से सोना खरीदने जा रहे थे।